तो फिर बहुत दिनों बाद मैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में कदम रखने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। और काफी लोग कह रहे थे कि तू है ना ये वाले वर्ल्ड को जावा एडिशन में इंपोर्ट कर दे, बट तुम लोग को ये दो मशीन दिख रही है, ये जावा एडिशन में वर्क नहीं करती, ये सिर्फ विंडो 10 और पॉकेट एडिशन के अंदर वर्क करती है। इसलिए मुझे सिर्फ ये सरॉयल सीरीज खेलने के लिए मोबाइल का यूज करना पड़ेगा। और कुछ लोग बोल रहे थे कि तू है ना जावा एडिशन में भी एक सरॉयल सीरीज स्टार्ट कर दे, बट यार मेरी तो ये वाली सरॉयल सीरीज भी कंप्लीट नहीं हो रही है, तो यार मैं दो दो सरॉयल सीरीज कैसे कंप्लीट करूंगा? और वैसे भी तुम लोग को तो पता ही है कि मैं कितना बड़ा नूब हूं। सच्चाई निकल गई, बट तुम लोग टेंशन मत लो गाइस, एक प्रो भी पहले एक नूब हुआ करता था, तो फिर मैं भी कभी ना कभी प्रो बन ही जाऊंगा। तो फिर आज का मेरा एम होगा डायमंड्स ढूंढना और फिर मजे करना। और हमारे पास तो फॉर्च्यून 2 वाली पिकेक्स भी है, तो फिर हम लोग उससे अगर डायमंड माइन करेंगे तो हमें सारे डायमंड्स डबल मिलेंगे। वाओ, बट मुझे ये डर लग रहा है कि क्या हो अगर मुझे डायमंड्स ही ना मिले, तो फिर तो हमारा पूरा का पूरा पोपट हो जाएगा। बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और डायमंड्स को ढूंढ निकालूंगा। ओ शिट, वो क्रीपर वहां पे क्या कर रहा है? होप करता हूँ कि ये हमारा कुछ नुकसान ना करे। और काफी लोग कह रहे थे कि यहाँ से मुझे एक एंचेंटेड बुक मिला था, बट वो इस लावा की वजह से जल गया। बट गाइस अगर मैं इस लावा को ही निकाल दूंगा ना, तो फिर ऑटोमेटिक फिश फार्म ऑटोमेटिक रहेगा ही नहीं। मैं तुमको बताता हूँ कैसे। ये देखो, ये कांटा अब मैंने डाला है इस पानी के अंदर, और देखो जैसे ही मुझे कुछ मिलता है तो ये कांटा नीचे चले जाता है, इसलिए ये लावा बहुत जरूरी है। तो फिर अभी रात हो चुकी है और किसी भी समय पे क्रीपर्स आ सकते हैं, इसलिए मैं भी फटाफट से घर पे जाके सो जाता हूँ। व्हाट, मॉन्स्टर्स नियर बाय? कहाँ पर है मॉन्स्टर्स? आ जाओ मेरे पास। ओ शिट, विच आ रही है, और इस समय मुझे इससे पंगा नहीं लेना है, मैं फूट लेता हूँ ऐसे। और ये स्पाइडर मेरे नीचे क्या कर रहा है? इधर आ, तेरी वजह से तो मैं सो नहीं पाता हूँ चैन से। आ जाते मेरे घर के पास तेरे, तो अब मैं चैन की नींद सो पाऊंगा। तो फिर सबसे पहले तो मैं ना नीचे जाके अपनी डायमंड की पिकेक्स ले लेता हूँ। तो फिर मेरा ये जो एंड पोर्टल है ना, इसको मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, क्योंकि इसका शेप एकदम बकवास दिख रहा है यार, ऐसे तो टूटने में सालों लग जाएंगे। तो फिर अभी थोड़ा सा और रह गया है, फिर अपना काम हो जाएगा। ओ हो गया फाइनली। एक मिनट, मेरे पास सिर्फ 4 ऑक्सीडन क्यों है? 2 कहाँ गए? ओ यहाँ पर चुप के बैठा है। ओके, तो अभी मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं इसको किस तरह से बिल्ड करूँ। तो पहले तो मैं यहाँ पर एक ऑक्सीडन लगाता हूँ, फिर इसके ऊपर के भी ज्वाइंट कर देता हूँ। ओके, तो अब मेरे पास ज्यादा ऑक्सीडन नहीं बचे है, तो फिर मैं यहाँ पे प्लैंक लगाता हूँ, फिर ऑक्सीडन लगाता हूँ इसके ऊपर। तो हो गया। तो ये वाला जो शेप है ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बट मैं इन प्लैंक्स को अभी के लिए निकाल देता हूँ। लॉल, अभी तो ये और भी बकवास दिख रहा है। गाइस मेरे पास एक मस्त आइडिया है, मैं उन चारों कोनों पर है ना मैग्मा ब्लॉक लगा दूंगा। तो फिर अभी ये लास्ट कोना बचा है, तो फिर ये देखो हमारा मास्टरपीस अभी लग रहा है ना एकदम फैंटास्टिक। चलो, तो पोर्टल का डेकोरेशन का काम तो हो गया, तो फिर अभी मुझे एकदम तैयारी के साथ माइनिंग के लिए जाना पड़ेगा। तो फिर सबसे पहले तो मैं अपने इन्वेंटरी से सारा कूड़ा निकाल देता हूँ, और बाकी का कूड़ा ये वाले चश्मे डाल देता हूँ। ओके, तो मैंने अपने पास कुछ खाने का सामान और टॉर्चेस रखे हुए हैं। एक मिनट, मेरे इन्वेंटरी में ये पम्पकिन कहाँ से आया? इसको वापस से रख देता हूँ उसके अंदर। यार पनौती पम्पकिन, यार ये क्रीपर ने तो सब कुछ तबाह कर दिया यार, इतनी सारी चीजों को वापस से डालना पड़ेगा अंदर। यार मैं कुछ शुभ काम करने जाता हूँ तभी ये सब क्यों होता है यार? अब इन सब चीजों को वापस चेस्ट में डालने में काफी समय जाएगा, बट मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए मैं उसका सामना करूंगा। चलो, डायलॉग बाजी बहुत हो गई, अब ये सब रखना भी है इस चेस्ट के अंदर। चलो, तो आधा सामान तो मैंने अंदर डाल दिया, अब आधा सामान कल डालूंगा, क्योंकि अभी रात को बहुत खतरा है, कभी भी क्रीपर आ सकता है। यार अभी भी ये मॉन्स्टर मुझे चैन की नींद सोने नहीं दे रहे। कौन है नीचे? बस एक बार सामने आ जा घोचू। अच्छा बेटा, तू परेशान कर रहा है, ये ले, मजा आया। सच में ये सॉर्ड काफी पावरफुल है यार। चलो, तो अभी मैं चैन की नींद सो सकता हूँ। चलो, तो सुबह हो गई। यार मेरा ये आधा घर भी टूट चुका है, इसको भी रिपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये वाली वॉल ठीक करनी पड़ेगी। अच्छा, मेरे पास ये 48 प्लैंक्स पड़े हुए थे यहाँ पे। ओके, तो फिर ये वाली वॉल तो हो गई, और अभी ये वाली ठीक करनी है। ओके, तो ये भी हो गया, और अभी यहाँ पे मुझे दरवाजा लगाना है, बट मेरे पास सिर्फ एक ही दरवाजा है, तो अभी के लिए तो एक से ही काम चलाना पड़ेगा। यार स्लैब्स भी कम पड़ रहे हैं, तो अभी मैं दरवाजा बना लेता हूँ। और ये हो गया, तो अभी बस मुझे एक घंटी लगानी है यहाँ पे। चलो, अभी के लिए तो ठीक है ये। और मेरे पास ग्लास भी नहीं है यार, शिट। और मेरा ये आर्मर स्टैंड भी गायब है यहाँ का, और इसको बनाने के लिए एक स्मूथ स्टोन स्लैब चाहिए रहेगा, जो कि मेरे पास अभी नहीं है, और इतना टाइम भी नहीं है। तो फिर अभी के लिए तो मैं ये आर्मर सब ये वाले चेस्ट के अंदर डाल देता हूँ, फिर बाद में इसको निकाल दूंगा। और थोड़ा सा मैं कोल भी ले लेता हूँ, टॉर्चेस बनाने में काम आएगी। तो अब मेरे ख्याल से मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, तो चलो चलते हैं माइनिंग करने। तो फिर अब मुझे कोई दूसरी केव भी एक्सप्लोर करनी पड़ेगी,
क्योंकि ज्यादातर सारी केव्स मैंने आगे एक्सप्लोर कर चुका हूँ। ओके तो ये वाली केव में मैं अब तक नहीं गया हूँ, तो इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। ओके तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे आयरन मिला है। एक मिनट, यहाँ पर कोबाल्ट स्टोन है, मतलब मैं ये वाली केव को एक्सप्लोर कर चुका हूँ और वैसे भी इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो फिर से पीछे चलते हैं। हाँ ज़ॉम्बी आ जा इधर, तुझे मार के मजा आ गया एकदम। ओके तो यहाँ पर भी बहुत सारा आयरन है, और यहाँ पे बहुत सारा पानी है। ठीक है, यहाँ पर भी इतना सारा आयरन, यहाँ पर भी आयरन। ओ शिट, ऊपर एक स्केलेटन है, बच के रहना पड़ेगा। अबे ये स्केलेटन कहाँ से आया? ओके तो यहाँ पर काफ़ी सारा आयरन दिख रहा है, बट मैं उनको लेने में अभी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा है। तो मैं ये वाले रेस्टोरेंट को है ना ये डायमंड फॉर्च्यून 2 वाली पिकेक्स से तोड़ के देखता हूँ। तो अभी मुझे 4 मिला, और अभी मैं ना नॉर्मल वाले से तोड़ के देखता हूँ, तो फिर मुझे इससे 5 मिला। ये फॉर्च्यून 2 वाली पिकेक्स काम तो कर रही है ना। शेट, बहुत खतरा है यहाँ पर, एकदम संभाल के जाना है। ओके तो मैं आधे घंटे से ढूंढ रहा हूँ बट मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला। तो फिर अब मैं ना स्ट्रेट माइनिंग करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे हर बार बाहर डायमंड्स तो मिलने नहीं वाले, कोई कोई डायमंड्स अंदर भी छुपे हुए होते। ओह गोल्ड मिल गया, और उसके नीचे रेड स्टोन भी है। वाह, अगर मैं इसे 4-4 ब्लॉक्स तोड़ूँ तो फिर शायद मुझे जल्दी मिल जाएंगे, बट यार ऐसे तो सालों लग जाएंगे। रहने दो, मैं स्ट्रेट माइनिंग ही कर लेता हूँ। ओके तो यहाँ पर आयरन है। ओह इसके नीचे लैपिस छुपा हुआ था, मतलब यार ऐसे डायमंड भी छुपा हुआ होगा फिर तो। तो यहाँ पर भी बहुत सारा आयरन मिल रहा है मुझे। यार बहुत टाइम हो गया, कुछ भी नहीं मिल रहा है। अभी सारे ग्रेनाइट स्टोन आ रहे हैं मेरे सामने। ओह एक नया केव मिल गया, बट मेरे आगे पूरा लावा ही लावा है, और मेरी आयरन की पिकेक्स भी खत्म होने वाली है, तो मुझे एक नई क्राफ्ट करनी पड़ेगी। ओके तो जब तक आयरन पिघलते हैं मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ऑब्सिडियन बना हुआ है, और एक ज़ॉम्बी भी मेरा इंतजार कर रहा है। ओके तो 3 आयरन हो गए, और फटाफट से मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ। ओके बना ली मैंने पिकेक्स, तो फिर अभी एकदम ध्यान से आना पड़ेगा, गलती से भी लावा में गिर गया ना तो सब खत्म हो जाएगा। एक मिनट, ये वाली के ऊपर जा रही है, और मुझे डायमंड सिर्फ 12 कोऑर्डिनेट्स पे मिलेंगे। वाह खुद के टीममेट को मार दिया। लॉल ये बैट क्या कर रहा है यहाँ पर, मर जा तू भी। ये देखो कितना सारा आयरन है यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा सा ये रेड स्टोन भी है, तो इसको भी ले लेता हूँ। ये देखो एक नई केव मिल गई मुझे। ओह दो दो स्पाइडर मुझसे भिड़ने आए हैं, आ जाओ। और क्रीपर भी आया है, उनको पता भी है तुम किसके साथ लड़ रहे हो, तुम एक प्रो के साथ लड़ रहे हो। इसको भी भिड़ना है, आ जाओ, सबको मारूंगा अभी मैं। व्हाट, केव खत्म हो गई यहाँ पर ही। ओ तू रह गया था ना फटना, ले फट जा। क्या मिला खुद को मार के? यार एक तो डायमंड मिल जा। एक घंटे से भटक रहा हूँ मैं यहाँ, वहाँ, कब से ये गोल्ड और आयरन ही मिलते जा रहे हैं। तो मैं फिर से ये स्ट्रेट माइनिंग कर रहा हूँ, और होप करता हूँ इस बार कुछ अच्छा मिल जाए। एक मिनट में फिर से उसी जगह पे आया क्या? काम कर दो, यहाँ से शुरू करते हो वापस से। ओ रेडस्टोन मिला यहाँ पर। यार ये वाला स्ट्रेट माइनिंग में तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, इतने देर बाद कुछ मिला है, ले लेता उसको भी। यार कुछ भी नहीं मिल रहा है, इतना दूर आ गया हूँ मैं। अब तो मैं वापस पीछे भी नहीं जा सकता, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही दूर आ चुका हूँ। अब मैं पीछे नहीं देखूंगा, सिर्फ आगे बढ़ते रहूँगा। भाई नाचने का मन हो रहा है अभी मुझे, लिटरली 2 घंटे बाद मिला है। तो फिर अभी हम लोग इसको फॉर्च्यून 2 से तोड़ेंगे, और देखते हैं हमको डबल मिलता है कि नहीं। पहले तो मैं नीचे भी तोड़ के देखता हूँ, तो नीचे भी एक और डायमंड है। ओह तो फिर इससे मुझे एक कितने डायमंड मिले? सिर्फ एक ही मिला है। यार स्कैम हो गया, ये वाले को तोड़ के देखते हैं। ओह 2 मिल गए। एक मिनट जरा देखूं तो इन्वेंटरी में 3-3 हो गए। यस, इसका मतलब ये पिकेक्स कभी कभी काम करती है, और हमें हर बार दो दो आइटम्स नहीं मिलने वाली। तो मुझे एक और आयरन की पिकेक्स बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो भी खत्म हो चुकी है। चलो फिर से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके तो आयरन मिल गए। ओ भाई इतने सारे रेड स्टोन्स। यार अभी डर्ट बीच में क्यों आ रही है? यार ये एरिया तो पूरा डर्ट से भरा हुआ है, हाथ से तोड़ना पड़ रहा है। तो फिर अभी मेरे पास 6 सोना है और 3 डायमंड है। ओ भाई इतना सारा आयरन, पक्का ये वाला एपिसोड थोड़ा लंबा जाएगा। चलो स्लाइम का बंदोबस्त हो गया यहाँ से, क्योंकि स्लाइम भी बहुत काम आती है। ओ यहाँ पर और सोना है, लैपिस लज़ुकी। ओ और सोना, ओ यहाँ पर और भी सोना है। कितना सोना दोगे? यहाँ पर भी एक सोना दिख रहा है। यार ये केव में तो सोना ही सोना हो रहा है। यार यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पर तो बहुत सारा सोना था। ओके तो यहाँ पर मुझे थोड़ा संभाल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये पानी मुझे ये लावा के अंदर खींच ले जाएगी। फिर वहाँ पर थोड़ा रेड स्टोन दिख रहा है। अरे वाह और सोना। ओ ये डायमंड देखो एकदम एच पे, ये वाला डायमंड एकदम संभाल के लेना पड़ेगा। अरे डायमंड मिला नहीं कि ज़ॉम्बी आना शुरू? तो पहले तो मैं नीचे देखता हूँ और डायमंड है कि नहीं। यार ये तो सिर्फ एक ही डायमंड है, बट एक डायमंड भी काफी हमारे लिए। यार मुझे सब कुछ ब्लॉक करना पड़ेगा। ओ नो यार पानी कहाँ से आ गया? तो चलो तोड़ते इस डायमंड को। तो इसके साइड में एक और डायमंड है।
मतलब यहाँ पर और भी डायमंड्स हो सकते हैं, सब जगह पे चेक करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर एक और है और उसके साइड में भी एक है। यार मजे ही आ गए एकदम। ये देखो 8 डायमंड्स। थोड़ा सा और नीचे खोद के देखता हूँ, क्या पता और मिल जाए। ओके तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लो और सोना मिल गया। तो फिर मेरे पास अभी काफी सारा सोना भी है और डायमंड्स भी है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतनी माइनिंग काफी है और मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। आज की माइनिंग तो सफल हो गई। वाह, घर जाते जाते भी सोना मिल गया। चलो फाइनली मैं आ गया घर। यार काफी सुकून मिल रहा है घर में आने के बाद। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई एक जंग लड़के आया हूँ। चलो तो अभी हम लोग अपनी सारी कीमती चीजें इस चेस्ट के अंदर डाल देते हैं। तो फिर टोटल 13 डायमंड्स हो गए हमारे पास और 46 गोल्ड। यार मैं तो इस गेम में अमीर बन चुका हूँ अभी। क्या नहीं है मेरे पास, डायमंड है, सोना है, आयरन है, सब कुछ है मेरे पास। वो चेस्ट पूरा भर चुका है इसलिए मैं सारा सामान इस चेस्ट में डालने वाला हूँ और ये सोना भी पिघलाने के लिए डाल देता हूँ। ये एक्स्ट्रा क्राफ्टिंग टेबल और फर्नेस भी मैं संभाल के रखता हूँ। जब भी मैं माइनिंग जाऊँगा ये दो को लेके जाऊँगा। और मेरे पास ये एक और एक्स्ट्रा चेस्ट है तो मैं इसको भी कहीं ना कहीं लगा देता हूँ। यहाँ पे लगा के देखता हूँ। वो ये एक्चुअली में अच्छा दिख रहा है। एक मिनट, ये इसे मैं खोल नहीं पा रहा हूँ वैसे। इस चेस्ट को मैं इस पोर्टल के साइड में लगा देता हूँ। अब सही लग रहा है। तो फिर अगर तुम लोगों को आज का वीडियो पसंद आया तो इस लाइक के बटन को जला देना और सब्सक्राइब के बटन को तोड़ देना, क्योंकि 50K के बाद मैं GTA 5 की सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें काफी मजा आएगा। और कमेंट में कुछ भी लिख देना और इंस्टाग्राम अकाउंट भी फॉलो कर देना यार, बहुत लोगों ने नहीं किया है, फटाफट से कर दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड सॉरी अगर वीडियो थोड़ी लेट है। बाय बाय।